नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेक्टिफिकेशन दिष्टकरण जो अपना पार्ट है वो हम स्टडी कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को कंप्लीट नोट्स के साथ हमने स्टडी कर लिया है। आज हम सेतु दिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे। इसको इस एक वीडियो के अंदर ही हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं पूर्ण तरंग के लिए, उसी पर आधारित है। आप डायरेक्ट इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नोट्स के साथ आपको बता दूंगा कि आपको क्या कैसे करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 19, और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर है 6। चलिए शुरू करते हैं। सेतु दिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। यह भी पूर्ण तरंग दिष्टकरण करता है। यह भी का मतलब है कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी हमने पढ़ा था, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, वो भी तो क्या करता है, फुल तरंग का दिष्टकरण करता है। और ये भी क्या करता है, ये भी आपका पूरी तरंग का दिष्टकरण करता है। कुछ इसमें समानताएं रहेंगी, कुछ असमानताएं रहेंगी। मैं डायरेक्ट अगर आपको बताना चाहूं तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, और एक ब्रिज के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु दिष्टकारी कहा जाता है। असमानता ये है कि इसमें मध्य निकासी ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता, और उसमें होता है। इसमें 4 डायोड व्हीटस्टोन सेतु के समान परिपथ में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सेतु दिष्टकारी कहा जाता है। तो बस इसमें मेन बात यही है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको समझना है कि कैसे है। ये सर्किट डायग्राम आपने बनाना सीख लिया, इसको एक बार समझ लिया, तो आगे की पूरी प्रोसेस, इसके बारे में जो भी थ्योरी आपको पेपर में लिखनी होती है वो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक दिमाग में आपके फीड हो जाएगी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, और इनपुट हमें एसी देनी है, वीआई इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है। यहाँ तक तो सभी के अंदर सेम रहता है, चाहे वो हाफ वेव हो, फुल वेव हो, या आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अब इसके अंदर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, और जब द्वितीय कुंडली पे पहुंचेगा ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ पर लिखे गए हैं ये प्लस ई और यहाँ पर माइनस का एफ। मैंने पॉइंट्स का नाम चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर हमने 4 डायोड का प्रयोग किया है और एक ब्रिज, एक सेतु के रूप में है, इसी कारण से सेतु दिष्टकारी या ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि जब ये सिरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो यहाँ से करंट आएगी, ये डायोड है वो फॉरवर्ड में होगा तो करंट यहाँ से पास हो जाएगी, लेकिन ये डायोड है जो है D4 वो रिवर्स में होगा तो यहाँ से करंट इधर नहीं जा सकती है। तो यहाँ से करंट होगी तो यहाँ पहुँचेगी ए सिरे पे, तो ये डायोड D2 वो भी रिवर्स में होगा तो यहाँ पर भी करंट इधर नहीं जा सकती, करंट यहाँ जाएगी, लोड प्रतिरोध पर जाएगी, इसके बाद ऐसे आएगी। ये वायर है वो इस वायर के साथ कनेक्ट नहीं है, ये इसके ऊपर से है, ये सिंबल आप जानते हैं। यहाँ से जाने के बाद इधर तो करंट आ ही रही है, तो इधर तो पोटेंशियल पहले से है, तो इधर तो करंट जा नहीं सकती है, तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड में हो जाएगा D3, और फिर ये सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगी EDC और आपको IDC जो भी करंट की वैल्यू है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपका डायोड D1 और डायोड D3 जो है वो फॉरवर्ड में रहते हैं, और D2 और D4 जो है वो रिवर्स में रहते हैं। इस वजह से एक आधे चक्कर के लिए, प्रथम अर्ध चक्कर जो होता है उसे धनात्मक आप बोल सकते हो, उसमें 2 डायोड एक साथ काम करते हैं, 2 डायोड बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं R = RS + RF, ये जो RF फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस यूज करते हैं, पहले हम यूज करते आ रहे थे, यहाँ पर 2 डायोड एक साथ काम करने के कारण ये रेजिस्टेंस वो डबल ले लिया जाएगा और कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अब बात करें इसके दूसरे आधे चक्कर की, तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ ध्रुवताएं जो है बदल जाती हैं, क्योंकि आधे चक्कर में जो AC है वो अपनी ध्रुवता को बदल देती है। तो ये जो करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, यहाँ से देखें, ये पॉजिटिव होने के बाद ये डायोड D2 है वो फॉरवर्ड में हो जाएगा, ये रिवर्स में होगा, इधर करंट नहीं जाएगी, यहाँ से आ जाएंगी, ऐसे आएंगी, यहाँ आने के बाद यहाँ पे तो पोटेंशियल पहले से है, तो ये
यहाँ पर इधर भी पास नहीं हो सकती है, तो ये डायोड जो D4 है वो भी फॉरवर्ड में होगा और आपकी करंट है वो इस तरीके से ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में यानी सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, आपका जो डायोड D2 है और D4 है वो तो होंगे फॉरवर्ड में और D1 और D3 होंगे रिवर्स में। तो यहाँ पर एक साथ दो डायोड इसमें भी काम करेंगे, लेकिन वो डायोड अब यहाँ काम करेंगे यानी उनमें करंट आएगी जो पहले वाले साइकिल में क्या थे, रिवर्स में थे। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, पहले वाले साइकिल में दो डायोड फॉरवर्ड में, दो रिवर्स में, और सेकंड हाफ साइकिल में जो पहले रिवर्स में थे वो फॉरवर्ड में और जो फॉरवर्ड में थे वो रिवर्स में हो जाते हैं। इस प्रकार से ये चारों डायोड मिलकर एक कंप्लीट साइकिल के लिए फुल वेव का रेक्टिफिकेशन करते हैं, दिष्ट करण कर देते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल से यहाँ पे देखें तो आप देखें तो ये तो इसके बारे में स्ट्रक्चर में लिखा गया है, तो इसमें बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैंने कार्यविधि आपको दोनों पे समझा दी है कि कैसे होगा, यही यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप ये मत देखिए कि यहाँ पे ये लिखा गया है तो हमें याद करना, याद नहीं करना है, जो मैंने बताया सर्किट में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है बस वही बात यहाँ पर लिखी गई है। बस आप यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहे तो इतना देख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है उसको EP साइन ओमेगा टी, पीछे भी हम यही लेके चले थे, और VS बराबर यानी जो द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टता है VS बराबर वो ESM और साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आ जाती है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। बाकी इसमें वही लिखा है कि एक साथ दो डायोड जो है D1 और D3 जो है वो फॉरवर्ड में और D2 और D4 है वो रिवर्स में होंगे, और द्वितीय हाफ साइकिल के अंदर दूसरे हाफ साइकिल में जो पहले रिवर्स में थे वो फॉरवर्ड में और जो फॉरवर्ड में वो रिवर्स में हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो इसकी जो वेव फॉर्म मिलेगी वो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि आपने इनपुट तो दी, ये साइन वेव ऊपर है वो धनात्मक हाफ साइकिल है यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और नीचे आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो जो V1 है यानी जो V1 किसको बोल रहा हूँ मैं जो शुरू के दो डायोड जो फॉरवर्ड में थे फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D3 उनकी जो वोल्टेज है उनको V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, आधे चक्कर में उनका दिष्ट कर्ण कर देते हैं, और D2 और D4 जो है वो V2 वोल्टेज यानी सेकेंड हाफ साइकिल में इनका दिष्ट कर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से एक पूरे चक्कर में वी आउट आपके पास टोटल आ जाएगी, और इस पूरे चक्कर में RL पर जो आउटपुट मिलेगी, लोड रेजिस्टेंस पे जो आउटपुट मिलेगी वो पूरी तरह का दिष्ट कर्ण यहाँ पर हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि यदि डायोड का चालन अवस्था में प्रतिरोध RF, कुंडली का प्रतिरोध RS हो तो RL से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये प्रतिरोध हम पहले भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पर हमने लिखा था RS प्लस RF प्लस RL, आपको ये ध्यान होगा क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप पुरानी वीडियो जाके जरूर देखें, कल परसों ही मैंने 2 दिनों में अपलोड की हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या जैसे ही चैनल ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर सामने दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट है, टोटल करंट जो है वो टोटल वोल्टेज VS जितनी पहुँची है आपकी द्वितीयक कुंडली पर VS, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा तो मैंने आपको भी बताया, RS है वो कुंडली का रेजिस्टेंस है, RL है वो लोड प्रतिरोध है लास्ट वाला, और जो 2RF लिखा गया है ये RF प्लस RF के इक्वल होगा क्योंकि एक साथ दो डायोड काम कर रहे हैं एक चक्कर में, यानी आधे चक्कर में दो डायोड एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो एक साथ आएगा, तो RF प्लस RF यानी 2RF यहाँ पर हो जाएगा। पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में सिर्फ यहाँ पर RF होता है, बाकी नहीं होता, 2 नहीं होता, बस इतना ही फर्क होता है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला था। जब हम बात करेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल की 0 से T/2 के मध्य, तो I1 का मान EM साइन ओमेगा टी अपॉन R प्लस से RL होता है। ये जो R है यहाँ पर R आप जानते हो RS प्लस से 2RF के इक्वल होगा, पहले जो हम R ले रहे थे वो RS प्लस RF को मान रहे थे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाती है I1 की EM साइन ओमेगा टी अपॉन R प्लस से RL, और EM बटे R प्लस RL जो है ये हम पहले भी यूज करके आए हैं, इसे आप IM धारा का शिखर मान बोलेंगे। तो I बराबर IM साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पर आपको करंट की समीकरण मिल जाती है। लेकिन जो I2 है, I2 का मतलब ये हुआ यहाँ पर जो दो डायोड फर्स्ट साइकिल में रिवर्स में है उन पे तो कोई करंट नहीं आएगी, तो I2 का मान यहाँ पे 0 है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड हाफ साइकिल में जाएंगे T/2 से कैपिटल T, उस कंडीशन में जो पहले I1 जो डायोड करंट दे रहे थे वो तो हो जाएंगे 0 क्योंकि वो तो रिवर्स में हो जाएंगे,
और जो दो डायोड बचे हुए हैं वो आपको करंट देंगे I2, लेकिन माइनस मैंने ये लगाया क्योंकि वो ऋणात्मक अर्धचक्र में होते हैं, इसलिए माइनस से शो कर दिया जाता है। बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो I2 का मान -IM sin ωt यहाँ पर आता है, समीकरण नंबर आ गई 2। तो अब इसमें बाकी भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ऊर्मिका गुणांक, दक्षता आदि भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकलेंगे जैसे पूर्ण तरंग में आपने निकाले थे। ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट पूर्ण तरंग दृष्टकारी सेतु दृष्टकारी जैसा ही बिहेव करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि बार बार सेम चीज़ों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, आप उसमें इसमें जो वैल्यू अलग है थोड़ी सी, वो वैल्यू वहाँ पे पुट करके सेम रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। अब इसकी कमियाँ क्या है, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी कमी क्या है? देखो, इसमें दो डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं, एक साथ दो डायोड श्रेणी क्रम में होने से क्या होगा, उन पर वोल्टता पतन, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होगा। उससे फर्क क्या पड़ेगा, उस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उष्मा हानि के रूप में होगा, वो गर्म हो जाएंगे और वो गर्म होने से उष्मा जो है वो वातावरण में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम प्राप्त होगी। तो ये इसकी एक कमी है। इसके साथ साथ इसकी दक्षता भी कुछ कम हो जाती है, ये भी इसका एक रीजन होता है। लेकिन अगर इसके लाभ देखे जाएँ, इसके प्रॉफिट देखे जाएँ, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा है। इसके प्रॉफिट ये हैं कि जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी होता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, उसमें मध्य निकासी ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर मध्य निकासी ट्रांसफार्मर लगाया था और यहाँ पर एक्स वाई के बिटवीन में लोड प्रतिरोध लगा के हमने वोल्टेज को मापा था, और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में वो ज़रूरी होता है और यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसका साइज जब वो छोटा हो जाता है, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टकारी में मध्य निकासी ट्रांसफार्मर लगाने से उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके बाद प्रतीप शिखर वोल्टता यहाँ पर EM के बराबर होती है, लेकिन ध्यान रखें पूर्ण तरंग दृष्टकारी में 2 EM के बराबर होती है, तो ये एक प्रकार से उसमें अंतर भी दिखा रहा है। तीसरा इसका लाभ ये है कि वोल्ट मीटर या एमीटर के साथ अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये AC का मापन आप इससे कर सकते हैं। ये इसके प्रॉफिट थे ब्रिज रेक्टिफायर के। तो हमारे जितने भी दृष्टकारी हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीन प्रकार के दृष्टकारी हमने पढ़े हैं, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी। इसके बाद चार टाइप के हमारे फिल्टर होंगे। फिल्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिल्टर की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टकण हुआ वो प्योर रूप से आपको नहीं मिला, यहाँ दृष्टकण होने के बाद भी DC करंट के अंदर AC के घटक उपस्थित रहते हैं। ऊर्मिका गुणांक जब तक 0 या बहुत कम नहीं हो जाता तब तक AC करंट उसमें प्रेजेंट रहेगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने दृष्टकण कर दिया है। इसलिए हमें फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है, और फिल्टर के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।